आज की डेट है 15 मार्च 2017 और आज एक कमाल का फ़ोन लॉन्च हुआ है, नाम है मोटो G5 प्लस। पर क्या ये फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम को हरा पाएगा, आइए पता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं ऋषभ टेक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दोनों फ़ोन्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में आपको 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी, मोटो G5 प्लस में आप लोगों को 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। कैमरा की बात करूँ तो गैलेक्सी J7 प्राइम में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का बैक शूटर मिल जाता है अपर्चर F1.9 के साथ, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का अपर्चर F1.9 के साथ। मोटो G5 प्लस की कैमरा की बात करूँ तो आप लोगों ने भी बहुत सारे रिव्यूज़ में देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि मोटो G5 प्लस का कैमरा बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ ये वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो टेक्नोलॉजी गैलेक्सी S7 करता था, यानी डुअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, इसलिए इसके कैमरे को फोकस डिटेक्ट करने में टाइम नहीं लगता। मूविंग ऑन, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम सिर्फ एक ही स्टोरेज वेरियंट में आता है, 16 GB और 3 GB रैम के साथ। और अगर मैं मोटो G5 प्लस की बात करूं तो 2 वेरिएंट में आता है, 16 GB 3 GB रैम और 32 GB 4 GB रैम। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में आप लोगों को ऑक्टा कोर CPU मिल जाएगा एक्जीनोस द्वारा, मोटो G5 प्लस में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 625 मिल जाएगा जो कि एक पावर एफिशिएंट चिप है। बैटरी की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में आप लोगों को 3300 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सफिशियंट है एक फ़ोन के लिए, और मोटो G5 प्लस में आप लोगों को 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि थोड़ी सी कम है, पर ओके है क्योंकि प्रोसेसर भी पावर एफिशिएंट है और इसके साथ आप लोगों को टर्बो चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है जो कि J7 प्राइम के साथ आप लोगों को नहीं मिलती है। दोनों फ़ोन में आप लोगों को माइक्रो USB मिलता है, टाइप सी इस बार मोटो G5 प्लस में भी नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों। 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों फ़ोन में मिल जाता है और दोनों फ़ोन्स में आप लोगों को सेपरेट सिम का डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, मतलब कि आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये तो थे दोनों फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस। अब मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आप लोगों को सैमसंग की ब्रांडिंग के हिसाब से सैमसंग वाला फ़ोन लेना है तो अब आप सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में कोई फ़ोन लेना है तब आप J7 प्राइम ले सकते हैं। और वैसे भी गैलेक्सी J7 प्राइम की प्राइस आजकल थोड़ी सी घट गई है, अप्रॉक्स 16,000 में आप लोगों को मिल ही जाती है। पर दोस्तों, अगर आप लोगों को एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ एक फ़ोन चाहिए और मोटोरोला का फ़ोन चाहिए तो आप मोटो G5 प्लस की ओर जा सकते हैं। सो बस दोस्तों, आपकी चॉइस है, लेना आपको है, मुझे तो नहीं लेना है। और आई थिंक ये वीडियो बंद करने का सही टाइम है। और बस दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, अच्छा नहीं लगा हो तो अरे डिसलाइक मत कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और उन्हें देखिए, उन्हें लाइक कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ, घंटा बजाना मत।